हेलो गाइस, वेलकम टू क्रेजी गेमिंग्स। तो आज हम खेलने जा रहे हैं ग्रैनी वन डोर एस्केप। हाँ, पर ये साधारण सा डोर एस्केप नहीं है। आप लोग लगा होगा सामने डोर है, हम उस पर हैमर वैमर यूज़ करके ये करके वो करके जाने वाले हैं, लेकिन नहीं, ये डोर एस्केप थोड़ा अलग होने वाला है। ये जो आपको मालूम रहेगा, एक स्पाइडर का रूम रहता है, उस स्पाइडर के रूम से हम एस्केप करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ, इस यहाँ से यहाँ चलते, देखते क्या है। ओके, अ पार्ट ऑफ अ शॉर्ट गन। और इधर एक सीक्रेट दरवाज़ा रहता है, ये भी खोल लेते हैं। ओके, अंदर दो चीज़ें पड़ी है, विल क्रैंक और टेडी बेयर। ग्रैनी है क्या, क्या आवाज़ करती है तो भागना पड़ेगा। थोड़ा रफ कर रहा हूँ मैं, क्योंकि थोड़े दिनों के बाद कर रहा हूँ, तो अभी ये गिराना पड़ेगा। ओके, तो आवाज़ हुआ तो ग्रैंडी आएगी, तो हम थोड़ी देर वेट करते हैं इधर। इधर आवाज़ की तो इधर आएगी, वो पक्का है। आ जा, मुझे नहीं लगता ग्रैनी अब आने वाली है। छोड़ो ग्रैनी को। ओ भाई, आवाज़ हो गई, आवाज़ हो गई। अरे बात दो, ये शॉर्ट गन का पार्ट भी इधर ही है। सबसे पहले चलते हैं ऊपर, भागते हैं। ओ भाई साहब, ग्रैनी आ गई भाई, ग्रैनी आ गई। भाई निकलो, पीछे से भाग गया मैं, मेरा हार्ट बीट तेज हो गया देख के, ग्रैनी को देख के। ग्रैनी बाहर नहीं आएगी क्या आज? ओ भाई साहब, ग्रैनी हंस रही है, देख लिया हमको। ओके, ट्रैप छोड़ के जा रही है। जान जान दो इसको, जान दो। अरे फिर से आ रही है, हम तो वो पीछे गए, वो भी गई। आ गया है, आ गया है, वो भी आ गई। चलो पीछे ही चलते हैं, मतलब पूरा पीछे नहीं, रुकते हैं थोड़ा, जब लगे कि हाँ वो पूरी तरीके से चली गई है। हाँ चली गई, चली गई, पर ट्रैप छोड़ के गई है। अरे कैसी है रे ये, मेरे को यहाँ से किचन में जाना है, किचन में अक्सर चीज़ें मिलती हैं। मैं ऊपर से किचन में नहीं जाने वाला, किचन सामने रहेगा और हम सामने से जाए। ओ शेट, ओके ग्रैनी आती ही होगी। अरे चल दे यार अंदर, आ गई ग्रैनी, वहीं पे खड़ी है, वहीं से देख रही है। एक और ट्राई, गई 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 गई। ऊपर गई होगी, भगवान प्लीज ऊपर गई होगी वो, ट्रैप छोड़ के गई। ये क्या है ये, ग्रैनी इधर ही खड़ी है, हंस के चली गई। भाई साहब क्या डर, और डर इस लग रहा है क्योंकि अभी बज रहे हैं रात के 3:30 और मैं अपने कमरे में अकेले ये गेम खेल रहा हूँ, वो भी ईयर प्लग्स लगा के, तो ऑब्वियसली डर तो लगेगा ही। ग्रैनी ऊपर गई, ओ शिट, ग्रैनी किधर है, ग्रैनी आजा 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 आजा
आजा आजा आजा आजा, डरता नहीं हूँ तेरे से। आंदो 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 भाई 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 भाई, भाई भाग 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 भाग। अरे कैसी है, जाती नहीं। ओके शॉर्ट गन पार्ट। ओ भाई मर गया। शेट, मैंने सोचा ड्रॉवर खोल लेता हूँ, उसके अंदर कुछ मिलेगा। देखा तो शॉर्ट गन का पार्ट था, पर इतने पे ग्रैनी आ गई। ओके तो डे टू। ये हमारा डे टू। भाई साहब क्या डरावना था, मेरा हार्ट बीट इतने में ही तेज हो गए। चलो नीचे चलते हैं। अरे यार के जल्दी से नीचे चलते हैं, क्योंकि अब तो गन कंप्लीट हो गई तो ग्रैनी आएगी तो भी कुछ नहीं। ओके मुझे लगता है आ गई। अब आवाज़ करते हैं, ये गिरा देते हैं। अरे क्या आवाज़ थे, गन गिराई, अब तो आएगी वो, कंफर्म है। आ रही है, फुटस्टेप्स आ रहे हैं। आ जा आ जा, आ गई आ गई। आ जा, अब तेरे से डर नहीं है भाई, अब आ जा। ओके मार दिया है। अब वो गिराना पड़ेगा, पैडलॉक की। अरे पैडलॉक की क्या, स्क्रू ड्राइवर। और स्क्रू ड्राइवर कहाँ है मुझे मालूम है, ये तो सभी को मालूम है जो खेलते ग्रैनी बन। स्क्रू ड्राइवर का काम पहले इधर है, तो इधर इसको फेंक देते हैं। गन भी उठा लेते हैं और रीलोड करके फेंक देते हैं। अरे चल रहे, ये बुक ले जाके वो यहाँ ले जाके रख देते हैं। इधर अब वो औरत खुल गई, अब वो मेरे स्पाइडर की देगी। जैसे जाते हैं। ओ भाई मर गया, एक और दिन बर्बाद नहीं हुआ कि क्या है भाई, फिर से जिंदा हो गया। तब तक हम ये निकाल लेते हैं, रस्टी पैडलॉक की। मुझे मालूम है रस्टी पैडलॉक की इधर ही होती है ज़्यादातर। होपफुली हो यार, कार की वार की मत देना। क्या क्या है, ओके रस्टी पैडलॉक की। स्क्रू ड्राइवर का काम अब ख़त्म, अब ख़त्म हो गया। नहीं चाहिए तू, अब रस्टी पैडलॉक की मिल गई है। रस्टी पैडलॉक की यहाँ फेंक देते हैं, गन उठा लेते हैं, क्योंकि आई थिंक सो दैट ग्रैनी जिंदा हो गई होगी। अरे यार उस स्पाइडर के यहाँ जाना इसलिए बोलो क्योंकि वहाँ पे, अरे यार ये या अभी तक यहीं पहुँचे तो हम यहाँ खड़े रहते। ग्रैनी कहीं भी से भी आ सकती है, यहाँ से भी आ सकती है, यहाँ से भी आ सकती है। तो हमें ऐसे खड़े रहना होगा कि हम वी में देख पाए। अरे कितना धीरे धीरे आ रही है भाई साहब, और ये ऐसे आवाज़ करिए तो ग्रैनी तो आएगी। आवाज़ फुट स्टेप्स आ रहे हैं, मतलब कि रहने की देर तो है। वही किधर है ग्रैनी। ओके ये आवाज़ भी हो गई, तब तो ग्रैनी आएगी। देखो आ रही है, मैं ही आता हूँ इसके पास। चला जा आ जा आ जा, जा, जा।
स्पाइडर की लेके चलते नीचे। अब नहीं मरूंगा भाई, मुझे मालूम है। स्पाइडर की और हम अपनी गन को भी ले जाके यहाँ रीलोड लोड करके रख देते। रीलोड क्या लोड करके रख देते हैं। रोका गया रस्टी पैडलॉक की, इसको लेकर चलते, इसका नीचे काम पड़ेगा। अरे गिर गिर गए भाई। इधर भी गिर गए। सबसे पहले इधर चलते हैं, ये दरवाज़ा खोल देते क्योंकि अभी यहाँ से हमें चीज़ें फेंकनी है होंगी। ओ भाई चलो भाई चलते हैं। वो भाई मर गए। भाई साहब भाई साहब तो भाई ये डे थ्री भाई, मैं जो गंदा वाला डर रहा हूँ ना यार, अभी इतना गेम इतना डरा देगा मुझे इतना नहीं मालूम था। तो सबसे पहले चलते हैं वही नीचे। क्योंकि अब एक सेकंड है गाइस। हाँ तो गाइस मैंने अपने फ़ोन का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दिया है क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है। एक तो भाई वो इतना स्पाइडर जो है इतना डेंजर है, इतना फास्ट भाग जाता है। ये देखो उसके चलने की आवाज़ आ रही है। और हमको यहाँ से जहाँ पे अभी हम खड़े हैं वहाँ से यहाँ बाहर निकलना है, लेफ़्ट मारना है, एकदम आगे तक जाना है जब तक दीवार बंद नहीं हो जाती, फिर राइट मार के लेफ़्ट मार रहे हैं। देखो भाई पैर की आवाज़ आ रही है, मतलब वो आसपास ही है। ये देखो देखो भाई जा रहा है, वो इधर ही जाएगा मुझे पता है। नहीं 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 भाई चलो भाई आ गए हम सेफ जगह। समरी की सामने पड़ी है पर अभी लेने का हिम्मत नहीं हुआ मुझे। तो गाइस मैं बोल रहा था एस्केप करेंगे तो हम इसी डोर से एस्केप करने वाले हैं। इसके लिए रस्टी पटलॉक की जो हमारे पास है काइंड ऑफ लीवर और चेन कटर भाई, पर मुझे पता कैसे चलेगा कि वो है कहाँ। वो इधर है वो इधर आएगा। वो यहाँ से जाएगा नहीं गिराएगा। जाना भाई यहाँ से तेरे को क्या है, हट जाता हूँ ना। वो चिल्लाएगा और चिल्लाएगा तो म्यूजिक इंटेंस होता है तो डर लगता है। बेर ओके हो गया। उठ जा यार ज़िंदगी का सवाल है के उठ गई कि भाई साहब मेरे को लगा उठेगी ही नहीं। खुल गया है खुल गया ताला खुल गया ताला खुल गया। अब
बस हमें वो एक बाम्बू चाहिए और चेन कटर, और मुझे दोनों मालूम कहाँ है। ये देखो भाई, ये इधर ही है, इसके स्पाइडर के इसका हाथ दिख रहा है इधर से। मैं छुपाऊँ तो अभी वो देखेगा नहीं मेरे को। अगर अभी हमें लिफ्ट से ऊपर जाना है, ऊपर विंच हैंडल रहता है तो हमें वो लेके आना है। पर ये जाए तो अपना भाई, बंदर जा। भाई डर गया था। ओके भाई, हमें एक बक्सा खोलना है, एक में बॉम्ब रहता है और एक में सामान। ओके, ये विंच हैंडल इसमें था और दूसरे वाले में बॉम्ब था। भाई कितना लकी हूँ मैं। भाई ये स्पाइडर से मुझे डर लग रहा है बहुत, ये आएगा तो नहीं ना फिर से। भाई मत आना यार, कहीं और जाया तेरे को जगह नहीं मालूम। मेरे को आगे जाना है बस थोड़े से। किधर है तू, इतना पैर का आवाज़ कर रहा है। देखो भाई ये आएगा, मैं तुरंत भागो भागो, मैं यहाँ जाना है। हो भाई यहाँ, इधर आ गए हम। ओके भाई, ग्रैनी भी देख रही। वही ग्रैनी है इधर, स्पाइडर इधर, ग्रैनी। मैं मर गया भाई साहब। हमें गैरेज के ऊपर वाले फ्लोर। अरे भाई ये चल भाग यहाँ से। भाई साहब ग्रैनी गई, मैंने थोड़ा पीछे चल जाता हूँ कि ग्रैनी का डाउट यहाँ से ख़त्म हो जाए, कि यहाँ पे कोई है, वो वाला डाउट ख़त्म हो जाए। ओके यार, ग्रैनी गई कि नहीं? गई गई। शांत, मैं तो ट्रैप लगाया है इसने। कैसी औरत है भाई साहब। डर लग रहा है, मैं सब डर लग रहा है। उधर स्पाइडर था, इधर ग्रैनी। इस वेल पे जाके विंच हैंडल लगाना है। और ये डिफ़िकल्टी में मीडियम खेल रहा हूँ भाई, इसी नहीं है, ये मीडियम में खेल रहा हूँ मैं भाई साहब। ये मीडियम इतना हार्ड है सिस्टर। भाई एक्सट्रीम मोड पे जो लोग खेलते होंगे वो लोग का क्या होता होगा। चलो भाई नीचे, अभी हमें जाना है थोड़ा कौवे के यहाँ। वहाँ से एक वो हटाना है, वुड। देख ली क्या ग्रैनी? थोड़ा ऊपर जाते हैं कि वो चली जाए। हाँ देखो, अब उसका डाउट ख़त्म कि कोई था। वो इधर गई, अब हम इधर चलते हैं। ओके, क्या पड़ा इधर? स्क्रू ड्राइवर, अभी इसका काम नहीं है, हमें चलना है इस। अरे यार आवाज़ बहुत हो गई इस कमरे में। अरे हट यार,
अरे तेरी तो बहुत आवाज़ हो गई भाई साहब। ये रिमोट कंट्रोल उठा के भागते हैं, ग्रैनी आती है वो भी। और ये देखो गाइस, अंदर हमें यहाँ पे शूट करना पड़ेगा, और ये उठाना पड़ेगा, ये लगेगा वहाँ पे। और चलते हैं आगे। अरे ऊपर जाएगा ये, ऊपर नहीं जाएगा। ये भी कीचड़ का आवाज़ बहुत आ रहा है, ग्रैनी कही आई थिंक सो। अरे यार आवाज़ कर दी, पूरा ही आवाज़ करते हैं जो यहाँ आए और जाए। भाई काफ़ी इंटेंस है, मैंने अभी तक जितने भी ग्रैनी के वीडियो खेले वो मुझे मालूम था कैसे स्किप करना है, और मैंने किया है। पर ये बहुत हार्ड होने वाला, क्योंकि ग्रैनी वन सबसे हार्ड चैप्टर है, सबसे हार्ड। ग्रैनी टू तो इजी है, ग्रैनी थ्री तो बहुत ज़्यादा इजी है, ज़्यादा इजी थ्री है, पर भाई ग्रैनी वन बहुत हार्ड है। मतलब इसमें तीन एस्केप होते हैं, एक तो ये वाला जो अभी मैं कर रहा हूँ, एक डोर एस्केप, मेन डोर एस्केप, और एक कार। तो सबसे हार्ड कार वाला नहीं है, सबसे ही हार्ड है डोर वाला। सबसे इजी बता रहा हूँ, सबसे इजी है कार वाला, फिर ये जो मैं कर रहा हूँ, और फिर है डोर वाला। कि मेरे को लग रहा है क्या, नहीं तो हेल की आवाज़ अभी तो नहीं आएगी, ये तो सीधी सी बात है। अंदर चलते हैं कि उसका डाउट वहीं तक रहे। भाई ये गेम बहुत तो स्लो खेल रहा हूँ मैं, मुझे मालूम है भाई। देखो तो तुम ही देख लो ना भाई, कितना इंटेंस गेम हो रहा है ये, मतलब कितना इंटेंस और कितना स्कैरी। वो स्पाइडर सबसे ज़्यादा डरावना है, ग्रैनी से भी ज़्यादा डरावना है। ये देखो ऊपर से बीच बीच में तो उसकी हंसी आ रही है, वेर आर यू, ये वो बोलती है, उससे कितना डर लग रहा है मुझे। ग्रैनी वन टू में इतना डर नहीं लगा जितना इधर लग रहा है। अरे वन टू में क्या है, टू थ्री में इतना डर नहीं लगा जितना वन में लग रहा है। भाई साहब पहली बार मैं किसी गेम से डर रहा हूँ, एक तो रात के 3:30 बज रहा है। ग्रैनी कही 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 वही मेरे को जमीन पे देख के जाना। अरे यार आवाज़ हो गई, चलो अच्छा आवाज़ हो गई, ग्रैनी उधर जाएगी। काम करते हैं, आवाज़ कर देते हैं। अरे अरे आवाज़ ही नहीं हो रही, नीचे देख के। ओके भाई चेन कटर मिल गया है, भागो लेके। ग्रैनी को एक बार मारे गए, फिर वो बाम्बू लेने जाएंगे, तो मैं इसको फेंक के आता हूँ नीचे। नीचे मतलब इधर कि भाई आवाज़ हो गई। चलो भाई फिर से अपने फेवरेट जगह पे, भाई ग्रैनी को डाउट भी नहीं देना कि हम यहाँ पे हैं। आ गई, थोड़ा पीछे दो, जाएगी सीधा नीचे। अरे नीचे जा, नीचे आवाज़ किया था, कैसी अजीब है ये। क्योंकि नहीं गई सबसे, मुझे जाके अपनी गन उठानी पड़ेगी, क्योंकि रानी ने हमें देख लिया है। गन 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 गन, आ जा आ जा आ जा, बिंदास आ जा, चल निकल। जोश आ जाता है भाई ये कैसे करके। अरे इधर से किधर से आ रहा हूँ, इधर से आना चाहिए मुझको। ये खिड़की है ना, इस खिड़की से बनाया तो उपयोग कर ही रहते हैं इसका भी।
तो गाइस ये देखो, जो हमने ऊपर से शटर खोला था वो यहाँ का था। अब यहाँ से आ गए और यहाँ से आपको मालूम है आगे हम क्या करने वाले हैं। तो आगे हम करने वाले हैं कुछ ऐसा, मैं बता देता हूँ, कर ही देता हूँ, आपको समझ जाओगे आप। तो अभी हम यहाँ से इसको गोली मारते हैं, मार दी गोली। अब हमारे पिस्तल का भी काम खत्म। और भाई ये क्या है, फ्री स्ट्रैप। ओके तो ये हम भी यूज़ कर सकते हैं, पर अभी मुझे करना नहीं है, वही सब काम हो गया है। चलो बस नीचे चलते हैं, मतलब वो स्पाइडर के यहाँ पे रहा नहीं तो अभी मरी हुई है, तो अभी हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से कूद सकते था पर वो कूद, अरे यार इसलिए तो देख के चलना चाहिए गाइस, नीचे कुछ भी पड़ा हो सकता है, चाहे वो ग्रैनी का ट्रैप हो या फिर कुछ और हो। ओके भाई तुम्हारा एस्केप अभी तक सेफ 30% हुआ है। अभी जब हम ये बैम्बू लगा देंगे फिर आएंगे वापस वो चेन कटर लेने। ये देखो चेन कटर इधर ही पड़ा है, ये देखो मैंने गैरेज से इधर फेंका था, तो जब ये भी हम ले लेंगे तब एस्केप कंप्लीट। पर सबसे ज़्यादा डर इस पर, ये देखो भाई ये आता है ना तो ये म्यूजिक से सबसे ज़्यादा डर लगता है। वैसे ये फीमेल स्पाइडर है मेरे ख्याल से, क्योंकि हमने एक औरत को वो किया था तो उसने स्पाइडर की थी था, और वो ही है ये, उसके फुटस्टेप्स सुनने दो। अरे बस यार ये म्यूजिक बंद करो, इसको हम यही गिरा देते हैं, इसको लेके यहाँ ड्रॉप करते हैं थोड़ा अंदर, क्योंकि ग्रैनी का एक हाथ लगेगा तो गिर जाएगा। देखो भाई वो उधर है, भाई लेफ्ट में जा, लेफ्ट में जा, तू लेफ्ट में जा, मेरे को राइट में जाना है इसलिए तू लेफ्ट में जा। ओ भाई इसे एक बार में हमारी पर, भाई ये तो काफ़ी अच्छा निकला है, उसने एक बार में बस मेरे कि भाई देखो यही लगाना था बस। और इसके लिए अब चेन कटर चाहिए जो हमने पहले से निकाल के रखा है, बस उस स्पाइडर को यहाँ से जान दो। कहाँ है भाई, फुटस्टेप्स आ रहे हैं, अरे कितना चलता है यार। ओके ये रहा, यहाँ से जा रहा है, सॉरी जा रही है, अब वो यहाँ पे ही आएगी, नहीं चल खड़ी हो गई एक जगह। भाई जब मैं देखूँगा ना कि वो यहाँ से आगे जा रही है, यहाँ से आगे जा रही है, तब तब मैं निकलूँगा यहाँ से, भागूँगा तुरंत चेन कटर लेने के लिए। पर वो जहाँ से जाएगी तब ना जाती ही नहीं, चल भाई। और इसके अंदर क्या है भाई, इसको स्क्रू ड्राइवर से खोलना उतना मुझे मालूम है, इसके अंदर क्या हो सकता है। भाई किधर है तू, हाँ देखो फुट स्टेप्स आ रहे हैं, इधर से जा, इधर से जा, इधर से जा प्लीज। अरे यार इधर क्यों देखती है यार, हट जाता हूँ वरना चिल्लाता रहेगा और ये इंटेंस म्यूजिक आता रहेगा और मैं डरता रहूँगा। ओके म्यूजिक बंद, मतलब उसका डाउट ख़त्म, कहते में होना चाहिए भाई डाउट उसका। ओके वो जा रहा है, सॉरी
सुनने दो मुझे, सीधे जा भाई, सीधे जा, लेफ्ट मत मारना बस, तू सीधे जाते रहे। भाई मैं बहुत तो छुपके खेल रहा हूँ, अब मुझे मालूम है आप लोग को बोर हो रहा होगा, पर भाई एस्केप करना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये गेम है ही इतना वो। भाई आप लोग कमेंट करो कि आपको सबसे ज़्यादा हार्ड कौन सा लगता है, ग्रैनी, ग्रैनी 1, 2 या 3। मेरे को तो सबसे ज़्यादा हार्ड 1 ही लगता है। मैं इसमें अंदर से आने का नाटक करूँगा ना, देखो गायब, फिर वापस आ गई। छुप जाता हूँ मैं एक जगह, फिर दिखेगा नहीं ना, छुपके से देखता हूँ। यहाँ पे जा रही है, किधर तो जा रही है, खड़े भी हो सकते हैं। जा रही है किधर तो जा रही है भाई। यार क्या है ये, पकाओ मेरे ख्याल से ना, मुझे निकलना चाहिए बाहर, पहले ही म्यूजिक को शांत होने दो। चलो भाई चलो, देखा हमने हिम्मत किया तो थोड़ा काम तो हुआ, वरना अभी तक हम और 1-2 घंटा उधर ही बैठे रहते। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, देखते हैं ग्रैनी के घर को। ग्रैनी है क्या इधर, ग्रैनी? एकदम शांत, सामने ही है वो। अरे यार इधर ही जाना रहता है क्या, उधर एक और गेट है, मैं वहाँ से जाता हूँ। हाँ सामने ये, वो भाई देखा इजी हो गया ज़्यादा। ओके गाइस, तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। एक बार देख लेता हूँ स्पाइडर को, किधर है भाई तू, आ जा। तो गाइस यहीं से हमारा वीडियो ख़त्म होता है। ओ स्पाइडर चल, पिट्टे मुंह तेरे। चलो गाइस इसको छोड़ो, हम लोग अपना चलते हैं, भाग जाते हैं। ओके तो यहाँ से ग्रैनी देख रही है कि भाई ये चला गया, और यहाँ से स्पाइडर भी देख रहा है कि भाई चला गया। आ आ आ क्या कर रहा है भाई। ओके गाइस तो आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और अगले वीडियो का इंतज़ार करते रहना। गाइस वो मैंने कहा था मैं अपने भाई के साथ मल्टीप्लेयर खेलने जा रहा हूँ, तो वो अगले वीडियो में आ जाएगा, चिंता मत करो आप लोग। और शॉर्ट्स पे थोड़े व्यूज़ देते रहो बस, और ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहो, उतना काफ़ी है। थैंक यू, बाय।